દાદરાનગર હવેલીના સાયલી ખાતે આવેલા પોલીસ ટ્રેનિંગ સેન્ટરમાં પીટીએસ મહિલા સુરક્ષાના ટ્રેનિંગ કાર્યક્રમની પૂર્ણાહુતિ કરવામાં આવી હતી. સાયલી પોલીસ ટ્રેનિંગ સેન્ટરમાં મહિલા સુરક્ષા અંગે હ્યુમન રાઇટ્સ અને ફંડામેન્ટલ કામગીરી અંગે ટ્રેનિંગ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં વિવિધ ક્રિમિનલ અને સિવિલ કેસોની જાણકારી આપવામાં આવી હતી. જ્યારે આ ટ્રેનિંગ કેમ્પનું ડીઆઈજી વિક્રમ જીતસિંહ સહિતના પોલીસ અધિકારીઓની ઉપસ્થિતિમાં સમાપન કરવામાં આવ્યું હતું. उसके दर्द को समझ लें और उसको आश्वासन दें कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपकी सहायता करने की, जो भी कानून के दायरे में हो. इसी से ही हमारा जो इमेज है पब्लिक के अंदर वो बहुत इंप्रूव कर सकता है. सिर्फ इतने से काम से कि जो भी व्यक्ति पुलिस स्टेशन में या आउट पोस्ट में सड़क पर भी अगर आपको कहीं मिलता है तो स्ट्रेट अवे उसको फटकारने से पहले एक बार सोच ले कि इसको शायद कोई दिक्कत हो, इसकी कैसे मदद की जा सकती है. हाँ, कोई बदमाश है, कोई बदमाशी कर रहा है, कोई बदतमीजी कर रहा है, उसके साथ आपका जो बिहेव करने का तरीका हो वो बिल्कुल अलग होना चाहिए. वो आपको पता है, वो मुझे आपको बताने की भी जरूरत नहीं है. लेकिन कंप्लेनेंट के साथ आपको हमेशा सेंसिटिविटी से डील करना चाहिए. अभी हमने ईबीटू और ट्रिपल डी की सुरक्षा ऐप लॉन्च किया है. इस एप्लीकेशन को अगर हम सही मायने में इस्तेमाल करेंगे तो हमारी पुलिसिंग बहुत बेहतर हो जाएगी. अब से एक और इनिशिएटिव हम लॉन्च करेंगे, एक बड़ी इसकी ट्रेनिंग, वो सारी चीज़ें एक बार दोबारा कराएंगे. और जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन है, साइबर क्राइम हो गए, इस टाइप से आप अपना फीडबैक दीजिए. और इसके अलावा जो बाकी के सेशन थे जैसे सॉफ्ट स्किल है, उसके अंदर अगर आपने कंप्लेनेंट के साथ क्या इंटरेक्शन करना है उसके अंदर कुछ हम वो भी कर सकते हैं कि सिचुएशनल ट्रेनिंग हो सकती है. ऐसी सिचुएशन हो गई, हमने किसी को ट्रैफिक चालान करने के लिए रोका और उसने बदतमीजी करनी शुरू कर दी, उसके कुछ छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बन जाए कि एक रोल प्ले वाला जो होता है कि एक व्यक्ति ट्रैफिक डिफेंडर का काम कर रहा है, एक हमारा जो पुलिस हेड कॉन्स्टेबल या सब इंस्पेक्टर जो ट्रैफिक चलान कर रहा है वो कर रहा है, फिर जो ट्रैफिक डिफेंडर है वो बदतमीजी कर रहा है. ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें अपना संयम बनाए रखना है, हमें उसकी लैंग्वेज में उस भाषा में बात नहीं करनी लेकिन सख्ती से पेश आना है. और उसके सामने अगर सपोजिंग वो कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है या वो धमकी दे रहा है कि मैं फलाना फलाना सर उसको जानता हूँ या तुम्हें सस्पेंड करवा दूंगा, तुम्हें ट्रांसफर करवा दूंगा, ऐसी सिचुएशन में आपको कैसे डील करना है, या किसी ने ड्रिंक कर रखी है उससे बातें नहीं की जा रही फिर आपको क्या करना है. ऐसे कुछ सिचुएशनल रोल प्ले के माध्यम से भी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ और उसमें इनपुट्स लेके आएंगे, ताकि कई बार ये हम इमेजिन नहीं कर सकते कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं. अगर ऐसे सिचुएशन किसी और के साथ हो रखी है और उस व्यक्ति ने बहुत अच्छे से हैंडल किया तो वो एक माध्यम से अगर आपको पता चल गया तो आपको ये चीज़ आपके दिमाग में रहेगी कि ऐसी सिचुएशन को इस तरीके से हम निपट सकते हैं और इसमें कुछ गलत नहीं होगा. एक बात की थी जयंतर की, जो बॉम्बे से जो ऑफिसर आए थे, उन्होंने एक ब्लाइंड केस को वर्कआउट किया और उन्होंने अपनी वो केस स्टडी में कुछ पढ़ा और केस स्टडी के अंदर कुछ उनको क्लू मिला. तो ये एक बहुत एज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपने जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो जो नोटिस किया है आप उसको लिखें. और लिखने में क्या होता है, कई बार आपको उस समय पर वो चीज क्लिक नहीं करती, कई बार बाद में आपको कुछ ध्यान आती है इसका ये भी तो हो सकता था, ये इससे इस पर्टिकुलर रूप से मैं इस दिशा में भी काम DNH और यहाँ उपस्थित इस कोर्स के तमाम ट्रेनिंग. सबसे पहले मैं आंध्र प्रदेश की सरकार इस इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और
सर पिछले 5 दिनों से डीपीआरएनडी एंड पीटीएस सर्वी उनके जॉइंट एफर्ट से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है जिसके तहत विमेन रिलेटेड जितने भी केसेस हैं इश्यूज है पुलिसिंग में उसके रिगार्डिंग ट्रेनिंग दी जा रही थी और ये भी कोर्स हमने डिज़ाइन किया था तब ये कोशिश की थी कि इस इशू के विमेन सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको हम उसमें सम्मिलित करें और उसी के तहत हमने दिल्ली मध्य प्रदेश और मुंबई से गेस्ट स्पीकर्स बुलाए और उसका विभाजन हमने एनजीओस पुलिस डिपार्टमेंट एक्सपर्ट्स इन द फील्ड एंड लॉयर्स ऐसे 4 स्टेक होल्डर्स को लेके एक एक दिन उनको दे के हमने ये ट्रेनिंग मॉड्यूल को डिज़ाइन किया था और ये कोशिश की थी सर कि प्रैक्टिकल नॉलेज हम ट्रेनिंग को इम्पार्ट कर सके और जो भी इश्यूज विमेन रिलेटेड केसेस में आईओएस फेस करते हैं उसको ठीक तरह से एड्रेस किया जाए और डीएनएच और यहाँ उपस्थित इस कोर्स के तमाम ट्रेनिंग सबसे पहले मैं आंध्र प्रदेश डी एच पी इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और सर पिछले 5 दिनों से डीपीआरएनडी एंड पीटीएस सर्वी उनके जॉइंट एफर्ट से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है जिसके तहत विमेन रिलेटेड जितने भी केसेस हैं इश्यूज है पुलिसिंग में उसके रिगार्डिंग ट्रेनिंग दी जा रही थी और ये भी कोर्स हमने डिज़ाइन किया था तब ये कोशिश की थी कि इस इशू के विमेन सेफ्टी से रिलेटेड जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको हम उसमें सम्मिलित करें और उसी के तहत हमने दिल्ली मध्य प्रदेश और मुंबई से गेस्ट स्पीकर्स बुलाए और उसका विभाजन हमने एनजीओस पुलिस डिपार्टमेंट एक्सपर्ट्स इन द फील्ड एंड लॉयर्स ऐसे 4 स्टेक होल्डर्स को लेके एक एक दिन उनको दे के हमने ये ट्रेनिंग मॉड्यूल को डिज़ाइन किया था और ये कोशिश की थी सर कि प्रैक्टिकल नॉलेज हम ट्रेनिंग को इम्पार्ट कर सके और जो भी इश्यूज़ विमेन रिलेटेड केसेस में आईओएस फेस करते हैं उसको ठीक तरह से एड्रेस किया जाए और